रीवा मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रीवा द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2022 को समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार सुहागी एवं हनुमना चेक पोस्ट में अवैध वसूली की खबर का खंडन किया है। यह समाचार रजनीश पांडे द्वारा जारी किया गया था, जो कि रीवा ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारी ही नहीं है। यह 2013 से 2016 तक अध्यक्ष थे। अब ये फर्जी अध्यक्ष बन के अधिकारियों की शिकायत करते हैं, जबकि यह पूर्णतः गलत है। संगठन द्वारा बताया गया कि अधिकारियों द्वारा गाड़ियों की जांच की जाती है, जबकि इनका कहना है कि गाड़ियों से अवैध वसूली की जाती है, जो आरोप पूर्णतः गलत है। रीवा मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रीवा के समक्ष वाहन स्वामी एवं ट्रांसपोर्टरों द्वारा ऐसी किसी भी प्रकार की शिकायत आज तक नहीं आई है। यदि इस तरह की कोई भी शिकायत रीवा मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रीवा के समक्ष आती है, तो उसे परिवहन अधिकारी के समक्ष रखकर इसका समाधान करते हैं। संगठन के लोगों ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रीवा की अवैध रूप से चल रही गाड़ियों का जांच करने का आग्रह किया था, जिसका कुछ लोगों द्वारा निजी स्वार्थ के चलते इस प्रकार की अफवाह फैलाई जा रही है कि हनुमना एवं सुहागी चेक पोस्ट में परिवहन विभाग रीवा द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। पूर्व अध्यक्ष द्वारा अधिकारियों को ब्लैकमेल किया जाता है, जिसका मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन घोर निंदा करता है। नया एक हमारे भूतपूर्व पहले ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष रजनीश पांडे जी, उन्होंने ब्लैकमेल करने के लिए विभाग आरटीओ विभाग को एक ज्ञापन दिया कमिश्नर साहब को, जिसमें उन्होंने सरासर सारी जानकारियां गलत दी। उन्होंने कहा कि जो चेक पोस्ट में गाड़ियां चेक होती हैं, वो अवैध रूप से वसूली के लिए होती हैं, जबकि ये गलत है। गाड़ियां हम लोगों ने परिवहन विभाग को अधिकारी जो हैं अपने रीवा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, उनको ज्ञापन के माध्यम से ये कहा था कि जो बाहरी गाड़ियां हैं वो सब गाड़ियों के कागज नहीं हैं, उनके कागज चेक किए जाएं और सही ढंग से संचालित हो गाड़ियां, जिससे कि यहां के मोटर मालिकों के ऊपर काफ़ी आज आर्थिक तंगी जा रही है, जो कि ये जो बाहर की गाड़ियां हैं ना बिना कागज की चलती हैं। हमने विभाग से उनसे अनुरोध किया था, जो कि उन्होंने हमसे परिवहन अधिकारी ने वादा किया था कि मैं उन गाड़ियों को चेक कराऊँगा, जो गलत हैं उनको मैं बंद करा दूंगा, वही जांच कराई जिसकी जांच हो रही है। और इसका हमारे जो पुराने भूतपूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि अवैध रूप से गाड़ियों का चेक हो रही हैं, जो कि गलत है, जो कि वो खुद अवैध हैं, क्योंकि उनका 2013 में अध्यक्ष बने थे, 2016 में कार्यकाल खत्म हो गया। अभी वो वर्तमान में भी अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में तो मैं अध्यक्ष हूँ, अनिल तिवारी, रीवा मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष। उसके खिलाफ कहीं शिकायत ली क्या? नहीं, हम लोग अब आज ज्ञापन के माध्यम से कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब को कल ज्ञापन देंगे, आप लोगों को आज अवगत करा देंगे कि कल अपन कमिश्नर रीवा और कलेक्टर साहब को इस बारे में ज्ञापन देंगे कि जो हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष थे वो गलत अपने पद का उपयोग कर रहे हैं।